इवनिंग क्लास ऑनलाइन। गुड इवनिंग मैम। अभी तो क्लास चल रही है। क्लास परसों तेरा तो हमारे 5 हो गए थे। अच्छा इतना बनाना है। शेप लेता है। देखिए यहाँ पर आप व्यू नीचे की तरफ कर रहा है। हम देखो इसको टच कर रहे हैं। यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ तो नीचे की तरफ कर आप सीधे की तरफ कर तरीके से तार बनाना है। ठीक है अब इसको हम करके इसे में से जैसे हम अंदर की तरफ करते हैं वैसे लाइन शेडिंग करते हैं तरीके से थोड़ा डार्क करना है इसके दोनों को और शेडिंग करना है सबको। सबको समझा कोई है या नहीं ऑनलाइन में? हाँ समझा। आप लोग बनाइए अभी ये मतलब 4 टाइम्स बनाइए। एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। बी शेप देना है फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ से तरीके से शेप्स लेकर पूरा फ्लैग बनाना है। और यहाँ पर सेंटर में डॉट बनाना है। करना है जिस तरीके से हम करते हैं तो इसके ऊपर शेप देना है।
किस तरीके से बनाइए, इसमें पूरा आप डार्क करना है ऊपर साइड का हिस्सा और शेड देना है। बताइए पूरा फ्लावर दो लाइन लेना है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाना है सबको क्लास इस तरीके से बनाइए सब अभी से फोर टाइम्स बनाना है क्लास देख लीजिए पूरी स्ट्रेट लाइन
हार्डशिप के दो क्लास ले ले इस साइड भी। अब इसमें जगह बच रही है, यहाँ पर दो लाइन देना है। तो फर्स्ट बम्पर टी हार्डशिप के क्लास छोटे छोटे समझा सबको? यस मैम। इसमें डार्क करके शेडिंग करना है। बनाइए सब। इसमें सिर्फ डार्क करना है, शेडिंग नहीं। ये जो छोटे प्लांट्स है ना उसमें सिर्फ टैप करेंगे। करिए सब फिनिशिंग के साथ। सबका कंप्लीट हो गया क्लास? यस मैम। अब नेक्स्ट लीजिए, देख लीजिए। पहले न्यू लेते जाना है हमें क्रॉस में 3 times, ओके? अब यहाँ पर आकर फ्लावर का शेप लेना है। यहाँ पर भी सेम अपोजिट साइड सेम करना है। इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें लाइन बनानी है। दो लाइन बनानी है, ठीक है? अब इसके ऊपर वाले हिस्से को हम डार्क करेंगे। मैं एक साइड का करके बता रही हूँ, सेम अपोजिट साइड करना है। शेडिंग करनी है। तरीके से शेडिंग देनी है और इस लाइंस पर डॉट्स बनाने हैं। स्पेस छोड़कर डॉट्स बनाने पूरा ग्रीन पर। इस तरीके से, ठीक है? समझा सबको? अपोजिट साइड सेम करना है। ऑनलाइन सबको समझा? Yes, ma'am. कंप्लीट कीजिए अभी।